बहुत स्वागत है आपका खेल कड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। भारत की मेजबानी में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, ऐसे में तमाम क्रिकेट प्रशंसक, तमाम खेल प्रेमियों के मन में एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि कौन सी टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेगी या कौन सी टीम इस सेमीफाइनल के रेस से बाहर होगी। जी हां, आपको बता दें 2023 अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपनी शुरुआत सभी 5 मैचों में जीत कर किए। इसी के साथ टीम 10 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। इसी के साथ भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 में सेमीफाइनल की दहलीज पर पहुंच गई है। जी हां, टीम को अपने अगले यानी कि छठा मैच इंग्लैंड के खिलाफ 29 अक्टूबर को लखनऊ में खेलना है। यदि भारतीय टीम वर्ल्ड कप चैंपियन इंग्लैंड को हराती है तो लगभग सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी। यदि इसके बाद भारतीय टीम अपना 7वां मैच श्रीलंका के खिलाफ जीत लेती है तो उसकी सेमीफाइनल में जगह एकदम से पक्की हो जाएगी। यानी कि जो उनके अंक होंगे वो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उसको कोई रोक नहीं पाएगा। भारतीय टीम को अपना 7वां मैच श्रीलंका के खिलाफ 2 नवंबर को मुंबई में खेलना है। भारतीय टीम ने अपने 5वें मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। यह मुकाबला कल यानी कि रविवार को धर्मशाला में खेला गया। आप सबने देखा होगा कि यह मुकाबला कितना दिलचस्प था। आपको बता दें, इस हार के साथ कीवी टीम का यह विजय रथ रुक गया। टीम को 4 मैच के बाद पहली हार मिली। न्यूजीलैंड अब दूसरे नंबर पर काबिज है। उसे भी सेमीफाइनल के लिए अपने बाकी बचे 4 में से 2 या 3 मैच जरूर जीतने होंगे। वहीं अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए बाकी बचे सभी मैच करो या मरो के मुकाबले जैसे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम आज अफगानिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबला खेल रही है। यह मैच चेन्नई के मैदान पर हो रहा है। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने अब तक 4 में से 2 मैच जीते और 2 मैच हारे हैं। यदि उसे सेमीफाइनल में एंट्री करना है तो बाकी सभी बचे मैच जीतने होंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए इस समय बड़ा मुश्किल लग रहा है। यानी कि अगर सभी मैच अपने जीतती है तो उसके रन रेट और बाकी टीमों के जीत पर निर्भर रहना पड़ सकता है। फिलहाल यह पाकिस्तान टीम पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर काबिज है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सेमीफाइनल में एंट्री के चांस लगभग बने हुए हैं। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में जिस तरीके से अपना खेल दिखाया, जिस तरीके से उनके खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया, जब्बा दिखाया, हौसला दिखाया, उससे आप साफ तौर से यह कह सकते हैं कि वो साउथ अफ्रीका की टीम इस वर्ल्ड कप में प्रबल दावेदार में से एक मानी जा रही है। बात की जाए तीसरे नंबर पर काबिज साउथ अफ्रीका ने 4 में से 3 मैच जीते हैं। एक मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ हार गई थी। चौथे नंबर पर 5 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है, जिसने अपने 4 में से 2 मैच जीते हैं और 2 हारे हैं। यदि इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में किसी भी टीम की जगह बनानी है तो उसे अपने 9 में से कम 6 या 7 मैच जरूर जीतने होंगे। 6 मैच जीतने वाली टीम को नेट रन रेट और बाकी मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ सकता है, मगर 7 मैच वाली टीम सीधे सेमीफाइनल में एंट्री कर लेगी। मगर टॉप 4 टीमों का 7 मैच जीतना बेहद मुश्किल है। तीसरे या चौथे या फिर दोनों ही नंबर के लिए नेट रन रेट काफी अहम होने वाला है। जी हां, इस मुकाबले में जो मैच चल रहा है, जिस तरीके से अभी तक इस मैच में घटनाक्रम घटी है, उससे किसी को नहीं भी कह जा सकता कि ये टीम सेमीफाइनल का रास्ता अपना कंफर्म कर लिया। फिलहाल धर्मशाला में चेज करते हुए जो सबसे बड़ा टारगेट था, उसमें भी कल भारतीय टीम ने दूसरा रिकॉर्ड बनाया। यानी कि दूसरा रिकॉर्ड धर्मशाला स्टेडियम का सबसे बड़ा टारगेट चेज का है। दरअसल इस मैच में कीवी टीम ने 274 रनों का बड़ा टारगेट दिया। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 48 ओवर में 6 विकेट गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया। यह भारतीय टीम ने धर्मशाला स्टेडियम का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया। आपको बता दें, इस चेज को चेज करके टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। इससे पहले धर्मशाला में 227 रनों का सबसे बड़ा टारगेट चेज हुआ था। जनवरी 2013 में खेले गए उस मैच में भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड ने 47.2 ओवर में 3 विकेट गंवाकर यह टारगेट चेज करते हुए मैच जीता था। वर्ल्ड कप में अगर बात की जाए सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों का, तो उसमें इस समय नंबर 1 पर है मोहम्मद शमी, जिन्होंने 2 बार यह कारनामा किया है। नंबर 2 पर कपिल देव, नंबर 3 पर वेंकटेश प्रसाद, नंबर 4 पर रोबिन सिंह, आशीष नेहरा और युवराज सिंह। जी हां, कल जिस तरीके से मोहम्मद शमी को अपने 5वें मुकाबले में मौका मिलता, उस मौके को बखूबी भुनाया उन्होंने। और जिस तरीके से उस मैच में कीबीओ के ऊपर कहर बनकर टूटे
मोहम्मद शमी वो अपने आप में काफी दिलचस्प था। मोहम्मद शमी ने एक बयान में भी कहा था कि अगर हमको मौका मिलेगा तो मैं अपना प्रदर्शन दिखा सकता हूं, बैठकर ग्राउंड के बाहर बैठकर या टीम के साथ ड्रेसिंग रूम बैठकर मैं अपना प्रदर्शन नहीं दिखा सकता। इस मैच में जो सबसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना वो था सुमन गिल के नाम, यानी कि सबसे तेज 2000 वनडे रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। बात की जाए सबसे तेज 2000 रन बनाने की तो सुमन गिल ने यह कारनामा 38 पारियों में किया, हाशिम आमला ने 40 पारियों में, जहीर अब्बास 45 पारियों में, केविन पीटरसन 45 और बाबर आजम ने 45 पारियों में किया था। वहीं साउथ अफ्रीका के जो इस समय अच्छे बल्लेबाज हैं, बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, रासी वेन डेड हुसैन ने 45 पारियों में यह कारनामा किया था। आपको बता दें वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर इसमें विराट कोहली भी शामिल हो गए हैं। इसके पहले जिस तरीके सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप में 21 हाफ सेंचुरी, कुमार संगकारा 12, शाकिब अल हसन 12 और अब विराट कोहली का भी उसमें नंबर आ गया, उन्होंने भी 12 सेंचुरी पूरी कर ली। कल जिस तरीके से विराट कोहली ने बेहतरीन पारी खेली और टीम को जीत की राह तक ले गए और लास्ट में जीत दिलाई। हालांकि विराट कोहली कल माइलस्टोन से 5 कदम पीछे रह गए, यानी कि जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज है वनडे में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 49 शतक का, उस रिकॉर्ड की विराट कोहली बराबरी कर लेते। हालांकि ये जो मैच कल जो पारी विराट कोहली ने खेली वो किसी शतक से कम नहीं था। अगर बात की जाए एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड, तो उसमें नंबर एक पर आते हैं एबी डिविलियर्स, यानी कि 2015 में उन्होंने 58 सिक्स मारे थे। क्रिस गेल ने 2019 में 56 और रोहित शर्मा अभी तक 2023 में 50 सिक्स मार चुके हैं, यानी कि वो दिन दूर नहीं है जब एबी डिविलियर्स 58 और क्रिस गेल के 56 सिक्स का रिकॉर्ड रोहित शर्मा तोड़ देंगे, क्योंकि क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स दोनों ही मैच से संन्यास ले चुके हैं, इंटरनेशनल मैच अब नहीं खेलते। तीसरे नंबर पर आपके आते हैं शाहिद अफरीदी, 2002 में उन्होंने 48 सिक्स मारे थे और 47 सिक्स मारने वाले पांचवे बल्लेबाज मोहम्मद वसीम हैं जो 2023 मारे थे। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा वनडे रनों में कोहली ने जयसूर्या को पछाड़ा। जी हां, वनडे इंटरनेशनल रन में जिस तरीके से कोहली समय फॉर्म में, उन्होंने सनत जयसूर्या को भी पछाड़ दिया जो श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर थे, दिग्गज बल्लेबाज थे। अगर बात की जाए इस मामले में सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर के नाम है, 18,426 रन। दूसरे नंबर पर आते हैं श्रीलंका के पूर्व कप्तान, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व विकेट कीपर कुमार संगकारा, जिनके नाम 14,234 रन दर्ज है। वहीं 5 बार की विश्व विजेता टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान रिकी पोंटिंग 13,704 रन। अब विराट कोहली का नाम बीच में दर्ज हो गया है, 13,437 रन। जी हां, कल जो पारी खेली गई उसमें विराट कोहली ने वाकई में ये बता दिया कि अभी वो विराट कोहली जिसकी लोग आलोचनाएं करते थे 2 मैच में फ्लॉप होने के बाद, विराट कोहली के अंदर वो खूबी अभी है। वो अगर बात की जाए तो सनत जयसूर्या के नाम अभी तक 13,430 रन थे। वहीं अगर बात की जाए मोहम्मद शमी की, यानी कि मोहम्मद शमी जिस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, जिस तरीके से विकेट निकालते हैं, जिस तरीके से एशिया कप में उन्होंने विकेट निकाले, उसके बावजूद भी वनडे वर्ल्ड कप में 4 मैचों में उनको बाहर बैठाया गया। उनके अगर आप रिकॉर्ड को देखेंगे तो अभी तक मोहम्मद शमी ने मात्र 12 मैच खेले हैं वर्ल्ड कप में और उन 12 मैचों में 36 विकेट निकाले हैं। इस दौरान मोहम्मद शमी का जो औसत रहा वो 15.02 का रहा, यानी कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 17.6 का और इकोनॉमी आप सोच नहीं सकते 5.09 का। फिलहाल ये वर्ल्ड कप अब ऐसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा है, एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाला है जहां सभी को ये उम्मीद रहेगी कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप लेकर जाएगी, बिल्कुल लेकर जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आपके चाहे क्षेत्र अच्छा हो, चाहे आपकी बॉलिंग हो, चाहे आपकी बैटिंग हो, चाहे लोअर मिडल ऑर्डर या ओपनिंग जोड़ी हो, वो हर कोई विभाग अपना इसमें अच्छा दे रहा है, यानी कि अपना 100% योगदान इसमें दे रहा है। फिलहाल खेल से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।